everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup Sir. And previous lecture में हमने किया था कि member क्या होता है और जो member की जो अगर हम conclusion में बोले कि जो member है वो कब बन सकता है company का, okay? तो इन सब के बारे में हमने discussion किया. अगर आपने previous lecture नहीं देखा तो आप previous lecture देख सकते हैं. हम कर रहे हैं company law का topic. आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द मेंबर एंड शेयर होल्डर. ओके, तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि मेंबर क्या होता है. ओके, सो इसी के लिए आप अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं एंड साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. ओके, सो आज हम डिस्कशन करेंगे कि मेंबर क्या होता है और शेयर होल्डर क्या होता है. जो मेंबर और जो शेयर होल्डर होता है बेसिकली वैसे तो नॉर्मली सेम टर्म में यूज करते हैं बट कंपनी लॉ के अंदर मेंबर एंड शेयर होल्डर में काफी डिफरेंसेस होती है. ओके, जो मेंबर होता है वो कौन होता है जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंशन होता है एंड शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं जिनके पास शेयर कैपिटल होती है. सो कुछ हम डिफरेंसेस करते हैं यहाँ से. फर्स्ट डिफरेंस इज दैट मेंबर इज डिफाइंड इन कंपनी एक्ट 2013 की जो मेंबरशिप का जो एक्ट है वो किसके अंदर डिफाइन है, कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है और शेयर होल्डर नॉट डिफाइंड इन कंपनी एक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेंबर अ हु सिग्नेचर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एज यू टोल्ड अर्लियर दैट कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसके सिग्नेचर होते हैं वो क्या माना जाता है, बिकम अ मेंबर माना जाता है. एंड अगर हम शेयर होल्डर की बात करें, अ शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु ओन द शेयर ऑफ द कंपनी. जिसके पास क्या है, शेयर है कंपनी के, वो क्या माना जाएगा, शेयर होल्डर माना जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ बियरर ऑफ शेयर वॉरंट इज नॉट अ मेंबर. कि जिसके पास शेयर वॉरंट होता है वो मेंबर नहीं माना जाता. अब शेयर वॉरंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ओके, एंड शेयर होल्डर की अगर हम बात करते हैं, द बियरर ऑफ शेयर वॉरंट कैन बी शेयर होल्डर. और जिसके पास शेयर वॉरंट होता है उसको हम शेयर होल्डर मान सकते हैं. क्लियर, ना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, ऑल द शेयर होल्डर हूज नेम आर एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. जिसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर किया गया है वो क्या माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा. ओके, यही हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था. एंड ऑल मेंबर मे नॉट बी अ शेयर होल्डर. सारे मेंबर जो है वो शेयर होल्डर नहीं होते. यही डिफरेंसेस हम आज करने वाले हैं कि जो सारे मेंबर है वो शेयर होल्डर नहीं होते और जो सारे शेयर होल्डर है वो मेंबर नहीं होते और कैसे नहीं होते वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एवरी कंपनी हैव मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर. एवरी कंपनी के पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं. लाइक पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम नंबर होते हैं और प्राइवेट में 2 नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर होते हैं. अब हम डिस्कशन करते हैं शेयर होल्डर में. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैव शेयर होल्डर. जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है उनके पास क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं. ओके, होप सो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको डिफरेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, जो कि टेलीग्राम चैनल भी हमारा कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर नाम से ही है. सो नेक्स्ट हम अभी डिस्कशन करेंगे कि जो एक मेंबर होता है वो शेयर होल्डर कैसे नहीं होता या फिर एक जो शेयर होल्डर होता है वो मेंबर कैसे नहीं होता, उसका हम क्लियरिफिकेशन करेंगे यहां से. कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल. अब मान लीजिए कि अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो वो शेयर होल्डर नहीं होंगे उसके पास, बट उसके पास मेंबर तो होंगे ना. ओके, जरूरी नहीं है कि उसके पास मेंबर भी नहीं होंगे. जो अनलिमिटेड कंपनी होती है जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय
गारंटी, इनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैव शेयर कैपिटल, तो इनके पास शेयर होल्डर नहीं होंगे, इनके पास क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ओके, सो यहां से डिफरेंस आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो तो वो पर्सन होते हैं जिनको हम शेयर्स अलॉट करते हैं, बट अगर हम शेयर्स ही अलॉट नहीं कर रहे तो हमारे पास मेंबर हो सकते हैं बट हमारे पास शेयर होल्डर नहीं हो सकते। अब इसी तरह से तो हमने माना है कि अगर हमारे पास कोई भी अनलिमिटेड कंपनी है या फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ओके, जिनके अनलिमिटेड कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये जो अनलिमिटेड कंपनी की है विदाउट शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी, अगर उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उनके पास शेयर होल्डर नहीं होंगे, उनके पास मेंबर होंगे। नेक्स्ट इज शेयर वारंट। अब अगर हम शेयर वारंट की बात करते हैं तो शेयर वारंट क्या होता है, एक पेपर फॉर्म में होता है और जो लाइक एक पेपर फॉर्म में होता है शेयर वारंट, जिसके ऊपर कंपनी का नाम वगैरह, एड्रेस, आपने कितने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। शेयर वारंट भी शेयर सर्टिफिकेट जैसा होता है, बट जो शेयर वारंट होता है वो क्या होता है, अगर हमने किसी को भी ट्रांसफर कर दिया तो ओनरशिप लगा सकते हो आप, उसी के पास चली जाती है। ओके, तो ओनरशिप में हमें ये ही लगा सकते हैं कि इसके पास ये कोई फिक्स नहीं होता कि एक पर्सन के पास अगर शेयर वारंट है तो वो उसी का होगा, उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा तब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ऐसा नहीं होता। शेयर वारंट बाय डिलीवरी होता है, बाय डिलीवरी, लाइक हमने किसी को भी डिलीवर कर दिया या किसी को भी ट्रांसफर कर दिया, उसी का हो गया वो शेयर वारंट, वो जाके कंपनी में जाके शेयर वारंट सबमिट करवा के अपने पैसे ले सकता है, उसको बोलते हैं हम शेयर वारंट। तो जो भी शेयर वारंट होल्डर है वो शेयर होल्डर हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है बट नॉट अ मेंबर, क्योंकि मेंबर बनने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर में सिग्नेचर करने होते हैं या रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्ड करना होता है, बट शेयर वारंट जिसके पास होते हैं वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्ड नहीं होते। ओके, सो जो शेयर वारंट होल्डर होते हैं वो हमारे शेयर होल्डर होते हैं ना कि मेंबर होते हैं, जैसा कि आपको यहां पर भी बताया गया था, अबेयरर ऑफ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर, नहीं होते। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ मेंबर। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, लाइक ए कोई भी मेंबर था मेंबर ऑफ कंपनी और ए की डेथ हो गई, एंड इसका जो सन लगा सकते हो आप, सन वो क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब जो ए था वो क्या है, मेंबर ऑफ अ कंपनी, एंड अब ए की डेथ हो गई है तो उसके जो सारे शेयर थे वो किसको ट्रांसफर कर दिए गए, बी को ट्रांसफर कर दिए गए जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो बी है वो बी क्या, बी लगा सकते हो आप, बी नेम है इसका सन का, तो जो बी है वो शेयर होल्डर हो सकता है, वो मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर में नेम मेंशन नहीं करवा देता, तब तक वो मेंबर नहीं बन सकता, तब तक वो शेयर होल्डर ही रहेगा। नेक्स्ट इज इनसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। अगर कोई भी मेंबर इनसॉल्वेंट हो जाता है, इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाना, यानी कि उसके पास अभी कुछ भी पे करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो अगर कोई भी पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाता है सो उसको ट्रांसफर करने पड़ते हैं अपने शेयर टू हिज ऑफिशियल लिक्विडेटर। ओके, ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपने शेयर ट्रांसफर करने पड़ते हैं, एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर लंबे टाइम तक उसका नाम एंटर नहीं करता रजिस्टर ऑफ मेंबर में, एंड ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो जो इनसॉल्वेंट मेंबर हो जाता है उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना नाम सेंड करना होता है, और वो कहां से फिर वो रजिस्टर ऑफ द मेंबर में से उसका नाम कट कर देते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है कि जब हम
कोई भी, अगर हम मान लीजिए मैंने अपनी फ्रेंड को शेयर ट्रांसफर कर दिए, ओके, तो जो हमने ट्रांसफर किया है वो शेयर होल्डर हो सकती है बट वो मेंबर नहीं हो सकती जब तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम रिकॉर्ड नहीं होता एंड एमओए में सिग्नेचर नहीं होते तब तक मेंबर नहीं बन सकते। तो तब तक मेंबर नहीं बन सकते बट शेयर होल्डर बन सकते हैं बाय ट्रांसफर। ओके, सो ये था हमारा कुछ बेसिक डिफरेंस इन मेंबर एंड द शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर क्या होता है, मेंबर क्या होता है एंड डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में, क्योंकि दोनों टर्म हम सेम सेम यूज करते हैं बट इनके अंदर कंपनी लोग के अंदर डिफरेंसेस है काफी सारा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।